ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, यानी कि सिंह राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करें ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और पहले आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। ओके लियो, लियो का ऐसा है जी कि इट्स अबाउट स्ट्रगल, यू नो, यू आर गोइंग थ्रू, यू नो, लॉट ऑफ पीपल, आई मस्ट से, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप कोशिश कर रहे हैं, और या फिर इट्स अबाउट समथिंग ऑन एंड ऑफ बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, ऑन ऑफ डिस्टेंस है। हो सकता है कि डिस्टेंस की वजह से ये चीज़, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कुछ के लिए। हो सकता है इट्स अबाउट आपके जो पार्टनर है, दे आर ऑन द क्रॉस रोड्स, ठीक है। आपके पार्टनर भी थोड़ा सा लाइक दे मिस फैमिली, क्योंकि दूरी है तो येस ऑफ कोर्स दे मिस यू एंड दे वॉन्ट टू बी विद यू, दे वॉन्ट टू बी विद अ फैमिली, बट शायद हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है, फॉर ऑल द लियो। ओके, लियो के लिए, सॉरी इफ आई सेड सेजिटेरियस इन प्लेस ऑफ लियो, ओके, इट्स अ लियो रीडिंग। तो लियो, येस ऑफ कोर्स स्ट्रगल है, और आपके पार्टनर भी यू नो कनेक्ट करना चाहते हैं, बट समटाइम्स दे गिव होप और होपलेस हो जाते हैं, बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं, और अपने इमोशंस को यू नो लाइक क्या बोले उनको कि लेट इट गो, लाइक वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट मूव इज़, अभी फ़िलहाल मुझे कोई नेक्स्ट मूव नहीं दिखाई दे रहा। इट्स अबाउट कैरिंग, स्टिल कैरिंग बर्डन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट योर पार्टनर माइट विजिट यू, आपके जो पार्टनर हैं वो विजिट कर सकते हैं और आपको, और मे बी इट्स अबाउट यू कैन विजिट योर पार्टनर, वो चीज़ हो सकती है फॉर द लियो, लाइक विजिटिंग ईच अदर, सरप्राइज विजिट, या हो सकता है यू नो लाइक क्या आप उनसे मिलने आए थे एंड देन यू आर गोइंग, यू आर लीविंग, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो। ओके, आगे की अगर बात करें, इट्स अबाउट अटेंशन, इट्स अबाउट लाइक सीकिंग अटेंशन इन अ कनेक्शन, यू नो लाइक वो चीज़ है। सो मे बी जो लियो है दे आर ऑन लाइक समथिंग, अप टू समथिंग इन देयर लाइफ, कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, और उस वजह से हो सकता है कि प्रॉपर अटेंशन नहीं हो पा रही है, ऑन ऑफ चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें भी आई थिंक आगे चल के सॉर्ट आउट होंगी। इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, धीरे धीरे आपकी जो रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आएगी, बट येस ऑफ कोर्स जैसे कहते हैं ना कि बीच में, तब तक आपको आई थिंक यू हैव टू फेस लाइक वो चीज़ें, ऑफ कोर्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा वो है लाइक अनबन कह लीजिए, यू कह लीजिए, जगलिंग एनर्जी कह लीजिए, कि कभी पल में तोला पल में वासा, वो वाली आपने वो सुनी है ना कहावत, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट येस, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, टिल देन यू हैव टू गो थ्रू द चैलेंजेस। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ तो वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, एंड डोंट बी इमोशनल, ओवर इमोशनल, अपने इमोशंस पे आपको काम करना होगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज पहले ही प्लेस पे, एंड मे बी हो सकता है इट्स लियो, इट्स योर एनर्जी ऑल्सो, ठीक है, कि आप भी प्रॉपर लाइक ठहर नहीं पा रहे हैं, यू वॉन्ट टू लाइक, आप ऐसा नहीं है आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, बट इट्स अबाउट मे बी कि सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉपरली लाइक टाइम वो नहीं हो पा रहा, लाइक यू, आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। ओके, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द लियो। करियर वाइज अगर लियो के लिए बात करें, आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग दिस वीक, और हो सकता है कि कोई आपको कोई मैसेज आए, या आप कुछ यू नो किसी चीज़ में लाइक स्टेप बाय स्टेप जैसे कहते हैं ना आगे बढ़ना, टेकिंग लीप ऑफ फेथ, या पुटिंग एफर्ट्स,
और हो सकता है कि आपका बिजनेस थोड़ा ओवरसीज़ भी हो सकता है, या आपके ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन सकते हैं, या आप इस चेंज का वेट कर रहे थे और ये जो हफ्ता है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है आपको आपकी तरक्की तक। वी हैव दैट ब्यूटिफुल स्टार कार्ड। सो अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक यू नो सोचते हैं ऐसा करना ऐसा करना, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव टू फेस दिस। जो भी अगर कोई चैलेंज आता भी है या आपको ऐसा लगता है कि नो इट्स काइंड ऑफ यू नो लाइक कैसे कैसे इस चीज़ से निकलेंगे, आगे जो टनल है कैसे आप क्रॉस करेंगे, अंधेरा है, बट नो अंधेरे के आगे ही कहते हैं ना कि असली रोशनी है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो। तो आई थिंक कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन डूइंग योर वर्क, और ये जो हफ्ता है आपके लिए चेंजेस लाइक ये एक साबित हो सकता है गुड वीक, लाइक जो आगे चल के आपको बहुत यू नो चेंजेस लेके आ सकता है आपके लिए आपके करियर में। वी हैव दैट विक्ट्री कार्ड, सक्सेस, यू नो। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो। ओके, लियो के लिए आई थिंक यू नीड टू बी अवेयर किस चीज़ के लिए। पहली बात तो ये कि अपने पोटेंशियल को पहचानिए। देन वी हैव दैट कंडीशनिंग कार्ड, यू नीड लाइक यू हैव टू बी इन योर जोन। आपकी जो भी पुरानी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि बहुत टाइम से एक इंसान कहते हैं ना कि एक फियर जोन में है, या बहुत टाइम से कि आपके अराउंड या आपको लोग जैसे कहते हैं ना आपके आपको वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कब वो चेंज आएगा, कब आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, और दैट लैक ऑफ अप्रिसिएशन मेड यू सो यू नो लाइक डाउन। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आप अपने पोटेंशियल को पहचाने, जो लॉस्ट जो आप सोच रहे थे कि नो इट्स लॉस्ट, इट्स गॉन, और अब कुछ नहीं है, या आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, तो उसमें से अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। एंड बी वेयर ऑफ फॉल्स पीपल, मैन्युपुलेटिव पीपल, जो आपके पीठ पीछे कुछ और मुंह पे कुछ और। एंड इवन मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि दैट बी क्लियर टू योर सेल्फ एंड यू नो ऑनेस्ट, लाइक जो भी है साफ क्लियर। तो वो चीज़ मुझे लियो के लिए दिखाई दे रही है, लाइक लोगों के परस्पेक्टिव से भी और आपके दोनों तरफ से, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे, एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन अ लॉन्ग रन। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।